आपका आपका रुक करूंगा, लेकिन मैं तौसीफ खान को लेकर आना चाहता हूं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें, क्योंकि सरकार टीएमसी की है, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पे होना चाहिए, और क्या आपको लगता नहीं है ये अपने आप में गलत मैसेज देता है? बिकॉज फॉर मी और फॉर एनी वन एल्स, आपके लिए भी, आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हो, शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ना कि जो भगवा गमछा लेकर बच्चे वहां पर आ रहे हैं या फिर जो हिजाब पहन के आ रहे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है हिजाब से कि नहीं, स्कूल के अंदर? स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, जहां विवाद हुआ है ये। नहीं देखिए, शायद आपको मालूम नहीं अमीश भाई, शायद आपको नहीं मालूम है, शिक्षा जो है वो राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट है। शिक्षा के आगे कोई कंडीशन नहीं लग सकता कि हिजाब या शिक्षा, जो आप सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल से ये समझ में आता है जैसे कि कंडीशन है। नहीं, हिजाब या शिक्षा, मैंने तो भगवा गमछे की भी बात करी, शिक्षा के सामने भगवा गमछे से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। हाँ, और हिजाब स्कूल के अंदर हिजाब पहनने से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। आप किसके साथ हैं? ईरान में देखिए क्या हो रहा है। और दूसरी बात, वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया। अमीश भाई, ये बंगाल है, बंगाल की मिट्टी में ये दाल गलने वाली नहीं है। आप पूछिए शुभेंदु अधिकारी से, फोन करके पूछ लीजिए, आपके चैनल में भी तो आप बुला सकते हैं, वो बंगला के साथ हिंदी भी बोलते हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए, यहाँ दाल नहीं गलने वाला। ये भगवा गमछा लेकर के जाके हम हंगामा करेंगे और कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहेंगे, ये उनके खिलाफ जा रहा है। आप कह रहे बीजेपी वालों ने बच्चों को भड़काया है, एक लैंग्वेज आप कह रहे हैं, बीजेपी ने बच्चों को भड़काया है। देखिए, कितनी दफा बोलूंगा, अभी तो बोला 100%। और तो हिजाब जो हिजाब डाल के आई, वो जो हिजाब डाल के आई, उनको किसने भड़काया था? बीजेपी मुद्दे पे बात करेंगे, उसको किसने भड़काया था मुद्दे पे? नहीं, सिलेक्टिव है ना आपकी सोच। भगवा वाले को तो आपने बीजेपी के साथ जोड़ दिया, अभी हिजाब जो डाल के आई वो किसके साथ थी? टीएमसी के साथ। अभी मैंने आपको नॉलेज ठीक कराया कि जैसे मेरा नॉलेज कंडीशन नहीं है, जरा पढ़िए लिखिए, आपकी नॉलेज थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। ईरान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इस विषय पर? उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए आपको। जो डिविजन बेंच में एक जज थे जिनका रिटायर हो गया, तो उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, पर दूसरे जज ने जो जजमेंट दिया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, और अगर राइट टू हिजाब अगर उसको घर में है, मार्केट में है, मॉल में है, तो वो राइट टू हिजाब स्कूल में आके खत्म नहीं हो सकता। क्या ये जजमेंट है कि आप हिजाब डाल के स्कूल जा सकते हैं? ये जजमेंट में है? आप अपनी रिसर्च करके बताइए, रिसर्च टीम को बोलिए। ना, मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है, आप बताइए। आप पहले तो पानी पी लीजिए, आप ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। तो मामला यह है कि राइट टू हिजाब जो है स्कूल के दरवाजे पे आकर खत्म नहीं होता, ये जज ने कहा है। आप उठा करके देखिए, आप बोलिए, आपके रिसर्च टीम को बोलिए, वो आकर देखिए। जजमेंट पास किए हुए काफी दिन हो गया, आप बोल, अरे अभी तो बोला कि वो राइट टू हिजाब स्कूल में दरवाजे में आकर खत्म नहीं हो जाता। अभी तो मैंने आपको बोला कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको कायम रखा गया था कि नहीं रखा गया था? आपके एजेंडे को जो सूट कर रहा आप बोल रहे हैं भाईजान, एक दफा सदन के बोलिए। मैंने आपको जज को कोट कर रहे हैं आप, मैंने आपको बोला कि दो जज थे, एक जज का रिटायरमेंट हो गया, मिस कोट किया है आपने लाइव कार्यक्रम में, यू हैव मिस कोटेड, आपने मिस कोट किया है। अरे चिल्लाने कहीं नहीं बोला गया कि चिल्लाने से कहीं नहीं बोला गया था, ये आपने मिस कोट किया है बातों में। आप अपने नॉलेज को ठीक कीजिए। ऑब्जर्वेशन अलग होता है, डिसीजन अलग होता है। बंगाल में अमीश देवगन, ये बीजेपी का दाल जो है बंगाल में गलने वाला नहीं है। बीजेपी का दाल गले ना गले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पे जो है, ईरान के अंदर विरोध क्यों है हिजाब का? सेंटीमेंट है यहाँ पे, लोकल सेंटीमेंट है यहाँ पे, लोकल लीडर, ये मॉडर्न लोग हैं इस देश के, यहाँ पे ये लिबरल लोग हैं, जैसे अंग्रेज आके लड़ाते, ये लिबरल लोग हैं इस देश के। तौसीफ खान अपने आप को लिबरल मानते हैं, ये लिबरल लोग हैं जो स्कूल की बच्चियों को हिजाब डलवाना चाहते हैं, ये स्कूल की बच्चियों को हिजाब डलवाना चाहते हैं, और ये सो कॉल्ड लिबरल वर्ग है इस देश का।
ईरान के अंदर हिजाब का लड़कियां विरोध कर रही है, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आमजन विरोध कर रहे हैं, और देश का लिबरल तबका उसके नुमाइंदे हमारे सामने बैठे हैं तौसीफ भाई, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। तौसीफ जी आप लिबरल हैं, इसका आपको गर्व होगा, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं ये जो लिबरल गैंग है ना इस देश के अंदर, ये इस देश के अंदर इतना सिलेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। ये बच्चों को हिजाब डलवाना चाहता है, इनके मन में बच्चियां हिजाब डाले। मैं कह रहा हूं भगवा गमछा से जरूरी, बीजेपी का हिजाब से ज्यादा जरूरी शिक्षा है, पढ़ाई है। रिजवान अहमद आपका रिप्लाई, रिजवान अहमद योर रिप्लाई। अमीश भाई आप थोड़ा शांति रखो, आप पानी पी लो थोड़ा, आप बहुत उत्तेजित हो गए हो। अब मैं बोलूं अमीश भाई, अमीश भाई देखिए तौसीफ साहब ने इनहेरेंटली बीइंग एन एडवोकेट एक गलत बात बोली। उन्होंने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, अरे यार ये भी बीच में बोल रहा है कि सारे जाहिल एक से हैं क्या? ये तो काफी पढ़े लिखे हैं भाई तौसीफ खान। हाँ, छोटा वकील बोलो, छोटा वकील बोलो। ठीक है तौसीफ, शांत, आप भी शांत रहिए ना तौसीफ, कुछ एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। शांत हो जाओ। बहुत बड़े अमीश, अमीश आप नहीं जानते, इन्होंने बोला ये छोटा वकील है, वो दूसरे चैनल में बैठ के इन्होंने मेरे सामने बोला है दूसरे चैनल में। आपको किसी के मुंह पे डायपर बांधो भाई, सारी बात यही हिसाब किताब यहां थोड़ी पूरा होगा, इसके मुंह पे डायपर बांधो भाई। ठीक है, क्यों बोल रहा है? अरे अमीश भाई, सारे जाहिल एक से हैं भाई, आप नहीं जानते। बोलो ठीक है, ओके रिजवान, लेट रिजवान मेक हिज पॉइंट 50 सेकंड, देन यू कम, बोलिए जी। ये लिबरल है रिजवान अहमद, आप भूल जाते हैं, लिबरल ये है, ईरान से कोई लेना देना नहीं है इस पेशे का। अमीश भाई जी, अभी बताता हूं होता यह है कि जब जजमेंट डिवीजन बेंच का स्प्लिट होता है, स्प्लिट जी, तो दोनों जजमेंट को कोर्ट नहीं किया जाता, जो आपके पक्ष में हो और जो आपके अगेंस्ट में हो, ये रिवायत है। आप स्प्लिट जजमेंट में एक जजमेंट को नहीं पढ़ सकते, अगर आप एक को पढ़ना है तो दूसरे को भी पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सबने बोला ईरान से क्या मतलब, सऊदी से क्या मतलब, बहरीन से क्या मतलब। अगर यही ईरान की गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसडर को बुलाती और यह कहती कि आपके यहां जो हिजाब का विवाद चल रहा है इससे हमारे रिश्तों पे फर्क पड़ेगा, तेल की आयात पे निर्यात पे फर्क पड़ेगा, तो ये सारे ईरान 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 का डमरू बजाने लगते। जी, जी जी जी, पर अभी वो चीज इन्हें सूट नहीं कर रही, अभी ये चीज सूट नहीं कर रही। सूट क्यों नहीं कर रही और सूट किसने नहीं कर रही? ब्रेक के बाद बड़ा खुलासा आर पार में।